अगर दोस्तों मैं आप सभी को कहूं कि आप अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को बिना इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप में से ज्यादातर ऐसे यूजर होंगे जो कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत जरूर से पड़ती है। चाहे दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे, तो वहां पर आपको इंटरनेट की जरूरत जरूर से पड़ती है, तभी दोस्तों वो एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड होती है। लेकिन दोस्तों आज के सुनो आप सभी को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को अगर आप अपने फोन में यूज करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन को काफी आसानी से यहां पर बिना इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। बस दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं क्रेजी ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों आपको क्या सब करना है इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से और पूरा आप देखते रहिए। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर चलिए हम चलते अपने मेन्यू में। यहां पर दोस्तों मान के चलिए मैं अपने फोन में इस एप्लीकेशन को डिलीट मार देता हूं, यहां पर हम चलिए इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं और यहां पर मैं इसे अनइंस्टॉल मार देता हूं। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को हमने अपने फोन से अनइंस्टॉल मार दिया, यानी डिलीट कर दिया। अब दोस्तों मुझे इस एप्लीकेशन को दोबारा से डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर इस एप्लीकेशन को दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं बिना इंटरनेट की मदद से इसी वाली एप्लीकेशन को अपने फोन में दोबारा इंस्टॉल करके आप सभी को दिखाता हूं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना अपने फाइल मैनेजर में, और जैसे ही दोस्तों आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाए यहां पर दोस्तों आपको जाना इंटरनल स्टोरेज में, और जैसे ही दोस्तों आप इंटरनल स्टोरेज में आएंगे यहां पर आपको एक फोल्डर दिखेगा ऐप बैकअप एंड रिस्टोर का, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और यहां पर दोस्तों आपको पहला वाला ऑप्शन दिखेगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये रही वो एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है, और यहां पर मैं अपने फोन में यहां पर इंटरनेट बंद कर देता हूं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फोन में जो इंटरनेट है वो बंद हो चुका है, और यहां पर जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है हमारे फोन में बिना इंटरनेट की मदद से काफी आसानी से डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, और यहां पर ये इंस्टॉल भी हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को अपने फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इस एप्लीकेशन का नाम है ऐप बैकअप एंड रिस्टोर। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से बेसिकली होता यह है कि अगर आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन अगर डिलीट लग जाती है और डिलीट लगने से पहले उस एप्लीकेशन का अगर आपने बैकअप ले लिया होता है, तो ऐसे में दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को बिना इंटरनेट की मदद से अपने फोन में वापस से इंस्टॉल कर सकते हो। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।